चलिए सिद्धांत प्रवेश का भाग दो का पाठ नौ, सेठ सुदर्शन। पाठ आठ में राजा राणा छत्रपति बारे भावना है, इसको आप लोग अक्सर सब लोगों को याद ही है ये, ठीक है। तो यदि कोई परीक्षा में पूर्ति करने के लिए पंक्ति आती है तो आप लोग लिख लीजिएगा इसको एक बार, ये बारह भावना को लिख कर याद है ना तो लिख कर देख लेना आप लोग। हाँ, कोई पंक्ति यदि लिखने को आ जाती है तो ये आप लिख करके पूरी भावना देख लिख करके देख लेना बारह भावना, कि आपको बिना देखे लिखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऐसा। सेठ सुदर्शन, अच्छा ये इसलिए जरूरी भी है वो बारह भावना वाला है ना, बाकी विनती से भले लेकिन बारह भावना से तो प्रश्न आ भी सकेगा। सेठ सुदर्शन, सुदर्शन सेठ की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध है और प्रेरक भी है, इसलिए इनको अपन को यहाँ पर पुस्तक में रखा गया है ये पाठ। तो चलिए पढ़ते हैं अपन लोग सेठ सुदर्शन का ये पाठ। अंग देश में चंपा नगरी की राजधानी में वृषभदत्त नामक एक सेठ रहता था। चंपा नगरी की राजधानी में वृषभदत्त नाम का सेठ, जिसकी अरहत दासी नामक पत्नी थी। उसी सेठ के यहाँ एक ग्वाला सेवक था। एक दिन वह वन से अपने घर आ रहा था, मार्ग में शिला पर बैठे हुए मुनिराज को ध्यान लगाए देखा और मुनिराज के निकट पहुंचा। उसने ओस से भीगी मुनिराज की समस्त काया को विनयपूर्वक पहुंचा और रात्रि भर मुनिराज की सेवा की। प्रातःकाल जब मुनिराज का ध्यान टूटा तो उन्होंने ग्वाले को पंच नमस्कार मंत्र दिया, नमोकार मंत्र दिया। ग्वाला उस मंत्र की रट लगाने लगा, उठते बैठते सोते जागते उसी मंत्र का उच्चारण करता रहता था। एक दिन ग्वाले की गायें नदी पार करने लगीं, तब वह भी नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हुए उनके पीछे नदी में कूद गया। दुर्भाग्य से नदी में कूदते ही एक नुकीली लकड़ी उसके पेट में घुस गई, जिससे ग्वाले का प्राणांत हो गया। परंतु नमोकार मंत्र के प्रभाव से वह ग्वाला सेठ वृषभदत्त के यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सुदर्शन रखा गया, उसी सेठ के घर पे पैदा। काल क्रम से सुदर्शन युवक हो गया। उसी नगरी में सागरदत्त सेठ भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम सागरसेना था। सागरदत्त सेठ पत्नी का नाम सागरसेना, मनोरमा उनकी कन्या थी। उसी के साथ सुदर्शन का विवाह हो गया, मनोरमा के साथ। एक दिन सेठ वृषभदत्त समाधिगुप्त महामुनि के दर्शन के लिए गया। वहां मुनिराज के धर्मोपदेश से वैराग्य जागृत हो गया और सेठ ने जिन दीक्षा धारण कर ली। कौन के सेठ ने? सुदर्शन सेठ के पिताजी ने, हाँ वृषभदत्त ने। उससे सुदर्शन के ऊपर गृह परिवार व्यवसाय आदि का दायित्व आ पड़ा। सुदर्शन पर, उनके बेटे पर पूरा दायित्व आ गया। सेठ सुदर्शन हमेशा सदाचार, श्रावक व्रत पालन तथा दान पुण्य कर्म में अपना जीवन व्यतीत करता था। मगध अधिपति महाराज गजवाहन स्वयं भी उसे खूब मानते थे, मगध के राजा जो गजवाहन थे। एक दिन वे सुदर्शन के साथ उपवन में भ्रमण कर रहे थे, उनकी पत्नी भी साथ में थी। राजा साहब बस सुदर्शन के रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई। सेठ सुदर्शन संसार में रहते तो ये भी संसार से स्वतंत्र होना चाहते थे, इसलिए वे कभी कभी ध्यान में लीन रहते थे, ध्यान किया करते थे। वे अष्टमी और चतुर्दशी की तिथियों में रात्रि के समय प्रायः श्मशान में जाया करते थे और आत्म ध्यान में लीन रहते थे। एक दिन रानी की आज्ञा से दासी ने कायसर ध्यान मुद्रा में लीन सुदर्शन को उठाकर महल में पहुंचा दिया। इस संक्षिप्त में कहानी है ना, पूरी पढ़ेंगे तो पहले इन्होंने संदेशा भिजवाया एक दो बार है ना, लेकिन सुदर्शन सेठ नहीं माने, उल्टा उनको समझा दिया। लेकिन जब नहीं बात बनी, कैसे भी नहीं माने थे सुदर्शन, तुम नहीं एक काम करो उठाई के ले आओ तुम तो दासियों ने मिलकर के सेठ को
ध्यान अवस्था में उठाया, क्योंकि वैसे तो वो उठा नहीं पाते ना वो आ पाते, क्योंकि ध्यान में बैठते हैं शमशान में, वहाँ किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो चतुर्दशी के दिन जब शमशान में ध्यान कर रहे तो वहीं पर जा कर के फिर उनको किडनैप कर लिया और महल में पहुंचा दिया। अब यहाँ पर जब आए तो रानी की अनेक कुचेष्टाओं से भी श्रेष्ठ सुदर्शन का चित्त विचलित नहीं हुआ। तब रानी लज्जित होकर सुदर्शन को फंसाने का प्रयत्न करने लगी। उसने कहा कि अब हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें बता रहे, और अपने शरीर को नोचकर चिल्लाने लगी। तब राजा ने श्रेष्ठ सुदर्शन को सूली पर चढ़ाने का दंड घोषित कर दिया। दंड के समय पुण्य प्रताप एवं देवों के अतिशय से सूली पुष्पमाला बन गई, वो उनको मार ही नहीं पाई वो सूली। तब राजा ने सत्य वार्ता को जानकर जब सही बात पता चली तो सुदर्शन से क्षमा मांगी और रानी को और दासी को दंड दे दिया। परंतु इस घटना से सुदर्शन के अंतस्थल में अत्यंत वैराग्य भाव जागृत हो गया। उसने उसी समय अपने पुत्र सुकांत वाहन को परिवार का दायित्व सौंप कर विमल वाहन मुनिराज से जिन दीक्षा धारण कर ली। कुछ समय बाद केवल ज्ञान को प्राप्त किया और अंत में सबको आत्महित का मार्ग दिखलाते हुए मोक्ष धाम को प्राप्त कर लिया, मोक्ष चले गए। महामुनि सुदर्शन स्वामी को गुलजारबाग पटना से निर्वाण प्राप्त हुआ। पटना से प्रत्येक वर्ष यहाँ पौष शुक्ल पंचमी को निर्वाण महोत्सव मनाया जाता है। इस प्रकार से श्रेष्ठ सुदर्शन महाराज की ये संक्षिप्त कहानी यहाँ पर समाप्त हुई। किस मंत्र की प्रभाव से ग्वाला श्रेष्ठ सुदर्शन बना? लमोकार मंत्र के। श्रेष्ठ सुदर्शन के माता पिता का नाम बताइए। वृषभ दत्त पिता का नाम और माता का नाम हैं अरहदासी, दासी लगा है लेकिन अरहत शब्द पहले लगा रहा है, अरहंत भगवान की दासी। शेर सुदर्शन की पत्नी पुत्र बादशाह ससुर का नाम बताइए। पत्नी का नाम मनोरमा और पुत्र का नाम कौन से वाहन? सुकांत वाहन, जिनको बाद में परिवार की जिम्मेदारी सौंपी। और सास ससुर इनके कहाँ हो जाएंगे? हाँ, सागर दत्त सेठ, पत्नी सागर सेना, ये उनके सास ससुर हो गए। ससुर साहब सागर दत्त सागर सेना। शेठ सुदर्शन ने एवं उनके पिता ने किन मुनिराज से दीक्षा ली थी? विमल वाहन। शेठ सुदर्शन ने विमल वाहन मुनिराज से ली थी और ऋषभ दत्त ने समाधिगुप्त महामुनिराज से। हाँ ठीक है, आप लोगों ने कोई कॉपी वॉपी बनाई है इनके प्रश्नोत्तरों की? आप लोगों लिखे नहीं होंगे है ना, तो इसी में लिख लेना इनके उत्तर, इन्हीं के नीचे लिख लेना, जगह है, नंबर डाल के उत्तर लिख लेना आप अलग से पेंसिल से है ना। शेठ सुदर्शन की कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ये तो हो गया। शेठ सुदर्शन की कहानी से अपन को क्या शिक्षा मिलती है? तो बहुत सारी शिक्षा मिल जाएंगी अलग अलग टाइप से। सबसे पहले तो शेठ सुदर्शन महाराज की जो आत्मिक शक्ति है, चारित्रिक बल, वो इतना था कि उन्होंने को उनको कोई डगा नहीं पाया। दूसरा, देव साधुगुरु पर और नमोकार मंत्र पर इतना श्रद्धान था कि उनके साथ अन्याय हो रहा था, उन अन्याय हो रहा था, बिना गलती की सजा भी मिल रही थी, तब भी वे डरे नहीं और भागे नहीं। उन्होंने सजा को स्वीकार कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन प्रभाव उनकी तपस्या का इतना प्रभाव था कि वसूली भी फूलमाला बन गई है ना। तो इस प्रकार से ये एक प्रेरणास्पद है। और दूसरा, हाँ ये बिल्कुल सही, कि जो भैया वृत्ति है
जो पिछले भाव में उन्होंने ग्वाले के रूप में जो जंगल में मुनिराज की भैया वृत्ति की, जो रात्रि भर उनके ठंड से उनको बचाने के लिए जो कार्य किया, वो उनके लिए वरदान साबित हो गया। और जो उन्होंने मंत्र दिया, उस मंत्र को उन्होंने अपने मतलब कि बहुत ही श्रद्धा के साथ उसको अंतरंग में बिठा करके उसका जप किया, जिसके प्रभाव से वो शेर के घर जन्म लिया। ठीक है, इस प्रकार से ये पाठ पढ़ना पूरा हो गया।